कई बार क्या होता है कि हम लोग 100 100 500 रुपए के कपड़ों के लिए भी इतनी बार्गेनिंग कर देते हैं कि अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जब भी हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं वहाँ 50 50 हज़ार की, 1 1 लाख की ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि आखिर ज्वेलरी का कैलकुलेशन कैसे होता है, आखिर उसमें क्या देखना चाहिए। हम तो बस हमें वो टॉप्स दिखे, चाहे वो 14 कैरेट के हैं, चाहे 18 कैरेट के हैं, 22 कैरेट के हैं, हमें सस्ते लगे, हमने उठा के आ गए, लेकिन हमें पता ही नहीं क्यों सस्ता क्यों है या वो महंगा क्यों है। हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई इसकी वो कीमत है। कभी मैं मान के चल रहा हूँ कि करीबन 50% लोग तो ऐसे होंगे जो बिना सोचे समझे ज्वेलरी खरीदते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जहाँ पे इतने छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी बार्गेनिंग करते हो, क्या हमें लाखों की ज्वेलरी लेने से पहले कुछ सोचना नहीं चाहिए? कुछ जो ज़रूरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में जाना है, लेकिन कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये आती है, आप किसी नामी जगह से ही ज्वेलरी खरीदिए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो PC ज्वेलर्स हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, रिलायंस ज्वेलरी हो गई, और भी कई सारी है, तनिष्क हो गया, या फिर आपके आसपास भी कोई ऐसे दुकानदार हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ से लीजिए। बिना सोचे समझे कोई झूठ बोल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, या लाख मिला दिया, कुछ मिला दिया, तो ऐसी जगह से मत लो। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप ज्वेलरी खरीदते हो उसमें कैरेट क्या चीज़ होती है। दोस्तों कैरेट होती है कि आपकी जो सोना लगा हुआ है ज्वेलरी में उसकी प्योरिटी कितनी है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसकी ज्वेलरी नहीं बनती है, क्योंकि वो इतना लचीला होता है कि अगर इसको पीटो तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, मुड़ मार जाएगा। तो उसमें क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटी डाली जाती है। जैसे 22 कैरेट की ज्वेलरी बनाई जाती है तो जो 2 कैरेट है उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाली जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल स्वरूप जिंक डाल दिया, कैडमियम डाल दिया, ये सब डाल के उसको बनाई जाती है ताकि वो ज्वेलरी मजबूत बने। अब उसके नीचे अगर 18 कैरेट में तो उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटी डाली जाएगी। 14 कैरेट में डाल की ज्वेलरी लोगे उसमें थोड़ी ज़्यादा इम्प्योरिटी डाली जाएगी। मतलब जितनी ज़्यादा कैरेट का सोना होगा उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और उतना ज़्यादा उसमें सोना लगा होगा, ये मान लीजिए आप। तो जब भी आप लोग ज्वेलरी खरीदते हो सबसे पहले ये पूछना है ये कितने कैरेट में है, आँख मूंद के नहीं लेना है। कईयों को आपने देखा होगा गोल्ड सोचते हैं कि चलो सस्ते में मिल रहा है, अब सस्ता किस लिए मिल रहा है, वो तो 14 कैरेट में इसलिए सस्ता मिल रहा है। अगर वही 22 कैरेट में लोगे तो आपको महंगा मिलेगा, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है, जब भी आप ज्वेलरी खरीदते हो तो उसमें हॉलमार्क का होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने ये रूल ला दिया है कि हॉलमार्क होना ज्वेलरी में बहुत ज़रूरी है, और हॉलमार्क में आती हैं 4 चीज़ें। सबसे पहले आपने देखा उसमें BIS स्टैंडर्ड का एक लोगो लगाया है या नहीं लगाया है, वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वो एक गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि इसकी जो प्योरिटी है वो चेक की गई है जो भी आप खरीद रहे हो हॉलमार्क के अंदर। दूसरी चीज़ आती है कितने कैरेट का है, उसमें एक चीज़ और लिखी होगी कि वो कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 14 कैरेट का है, 18 कैरेट का है। तीसरे आती है असाइन सेंटर आइडेंटिफिकेशन, जिस सेंटर ने वो आइडेंटिफाई किया है उसका हॉलमार्क लगा होगा, या फिर आप लोगों कहिए जो भी कहिए उसमें एक लगा होगा एक मार्क कि इसने एक सेंटर ने बता दिया है कि ये इतने कैरेट का ज्वेलरी है। फोर्थ आती है आपकी ज्वेलरी ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो ज्वेलर आपको बेच रहा है उसका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, वो उस पर लगा हुआ है कि नहीं लगा है। तो हॉलमार्क में ये चीज़ें आती हैं। कई कई जगह हॉलमार्क में देखा जाता है कि जब वो सर्टिफाई होता है कि जिस एयर में कि ये इतना जो हॉलमार्क सर्टिफाई होगा उसका एयर लिखा होता है कितने कौन से साल में ये आइडेंटिफाई हुआ है। तो हॉलमार्क में ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग ज्वेलरी खरीदिए और बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी नहीं खरीदिए। तो कल की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आपके पास बिल आता है तो उसमें आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका जो पैसा ले जा रहा है आपसे वो किस तरीके से लिया जा रहा है, और कितना पैसा आपको उसमें पे करना होता है, और कितनी GST लगती है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक।